एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और आज हम इस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट में, सिंचाई विभाग में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां के एक्शन कार्यालय के बाहर आज काफ़ी सारे जो HKRN में के कर्मचारी हैं वो यहां पर काफ़ी सारे अपनी सैलरी को लेकर के यहां पर बैठे हैं। काफ़ी महीनों से इनकी सैलरी नहीं आई है और सैलरी ना आने की वजह से अब ये लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पता किया है तो हमें पता चला कि लगभग 7 महीने की जो सैलरी है वो इनकी नहीं आई है, जिसकी वजह से परेशान है। दिवाली ऊपर से है, दिवाली के ऊपर तमाम लोग अपनी काली दिवाली मनाने के लिए यहाँ पर पूरे रूप से तैयार बैठे हैं। और यहाँ अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ अंदर से, ज़रा मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि दिखा दें, यहीं पर एक्शन कार्यालय है, एक्शन साहब का कार्यालय यहीं पर, और अभी मेरे ख्याल से बंद है, कोई अवेलेबल है यहाँ पर है नहीं। और बाकी सभी जो लोग हैं यहाँ पर, जितने भी कर्मचारी हैं, वो तमाम धरने पर बैठ गए हैं। काम बंद कर दिया गया है और मांग एक ही है कि इनकी जो सैलरी है वो इनको दिलाई जाए। काफ़ी समय से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी पत्राचार किया हुआ बता रहे हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ चीज़ें हैं, और जरा इन्हीं के साथ ही हम बैठ जाते हैं और चाहूँगा सहयोगी से कि इस तरफ आ जाएं ताकि बातचीत पूरी रिकॉर्ड कर पाएँ। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है? मेरा नाम शमशेर कनालगढ़ सर, रीजन से सचिव पोस्ट पे हूँ। ठीक है जी। तो आप HKRN के माध्यम से हैं या परमानेंट हैं? मैं परमानेंट हूँ। ठीक है, तो HKRN के साथ साथ जो परमानेंट जो कर्मचारी हैं वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पर धरने पर, उनके HKRN के साथ में उनकी तनख्वाह के लिए हम प्रमाण साथी भी उनके साथ बैठे हुए हैं। कारण क्या है ऐसा, इतना बड़ा क्या कारण हो गया कि धरने पर बैठना पड़ गया? धरने पर बैठने का एक ही मुख्य कारण है जी, हमें अफसरों से, अपने सीनियर जो भी एक्शन है SC साहब हैं उनके पास से बार बार प्रार्थना की है भाई इनकी हमारी तनख्वाह का कुछ भी जो भी किया जाए, लेकिन हमें यहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला जी। बार बार मिले हैं साहब से, बस एक ही बार यही बोल देते हैं भाई आ जाएगी, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम करते करते अभी 7 महीने हो गए, अभी 7 महीने तक घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और ऊपर से अब दिवाली भी है, ऊपर से त्यौहार का मतलब। तो अभी भी कोई बातचीत नहीं हो पाई उनसे? कोई बातचीत नहीं हो पा रही, आज साहब आए हुए नहीं है ऑफिस में, अभी फोन आया है, वो बोल रहे हैं मैंने अपना काम जो करना था कर रखा है। किस तरह का काम किया बता रहे हैं? क्या कोई ये बता रहे हैं कि फला दिन तक सैलरी आ जाएगी? नहीं, कोई टाइम पीरियड नहीं है। अच्छा भाई, बोल रहा है मैंने अपने तरफ से डॉक्यूमेंट जो भी हैं भाई भेज रखे हैं सेंक्शन के लिए चंडीगढ़। ठीक है, वहाँ से आएगी तभी होगा जी। लेकिन वो कहते कहते 7 महीने हो लिए, बात कहते कहते, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है जी। सुन सकते हैं आप, 7 महीनों से लोग अपनी सैलरी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। और ऊपर से एक गैर जिम्मेदाराना, मैं तो इस बयान को कहूँगा, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कितनी बातचीत हुई है, क्या हुई है वो तो इन लोगों को पता, लेकिन जैसे ये बता रहे हैं उसके हिसाब से कि मैंने अपना काम कर दिया, तो अधिकारी जो भी विभाग के हैं उनका कार्य ये होता है कि जब तक जो नीचे के कर्मचारी हैं उनकी जितनी भी समस्याएँ हैं उनको जब तक वो दूर ना करें तब तक उनको चैन से नहीं बैठना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पल्ला झाड़ने की यहाँ पर बात की जा रही है। आपने शायद बात की थी उनसे, तो क्या कुछ बातचीत की उन्होंने और क्या उन्होंने कहा है कि अब आप धरने पर बैठे रहें या आप कहीं और दूसरी जगह पहुँचे जहाँ पर कुछ ना कुछ आपका काम बन सके? एक्शन साहब से मेरी बात हुई थी, एक्शन साहब ने यही बताया कि भाई अगर या तो आप घर पर रेस्ट करो या नहीं धरने के ऊपर बैठे रहो। बोले मैंने जो अपने ऑफिसली जो कार्रवाई थी वो मैंने वो कर दी और मेरे से मान लो ऐसे कुछ और नहीं रहा और तुम्हारे जो हाथ में हो तुम कर लो। सीधा सा एक टुक जवाब दे दिया। हाँ सीधा ये जवाब, बोले यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं, बोला मैं 47 आदमियों कहाँ बैठाऊंगा, बोला। ठीक है, अरे पिछले 7 महीने से मान लो 7 महीने से महीने में 4 बार अगवत करवाया गया है और पिछले 7 महीनों से इस कारण के जो भी कर्मचारी पूरे ड्यूटी करते हैं और इनकी मतलब ये सैलरी नहीं आ रही पिछले 7 महीने से। अरे ऐसा नहीं कि पुराने मतलब नए लगे हुए हैं, पुराने लगे हुए हैं, बीच में इनकी 5 महीने से तनख्वाह को रेगुलर आई भी है, फिर 5 महीने के बाद में इनका बंद होगी क्योंकि सेंक्शन नहीं आई थी उस वजह से। आप HKRN से हैं या परमानेंट? मैं परमानेंट से हूँ, मैं प्रधान हूँ ब्रांच का, विजयपाल नाम है मेरा जी। और इनके मान लो इनकी समस्या आवाज़ें उठा, हाँ इनकी आवाज़ें उठाता हूँ, इनकी बार बार जो भी समस्या होती है वो अपने अधिकारियों तक पहुँचाता हूँ इनकी सारी बातों को। पिछले 7 महीने से हम लगातार यही कोशिश में लग रहे हैं, रिटर्न में दे चुके हैं, रिटर्न में तीन या चार बार रिटर्न में भी दे चुके, एक बार अशीष साहब से मिल चुके और एक्शन साहब से तो मान लो महीने में 3 या 4 बार मिलता ही हूँ जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं रिटर्न में दिया जा चुका है लेकिन उसके बावजूद भी नहीं। कुछ ऐसे लोगों से भी और बात करते हैं जो HKRN में, आप HKRN में वैसे
आप हैं एचकेआर में सर जी, तो क्या कुछ बातचीत आप लोगों की हो चुकी है अभी से पहले ताकि कोई संतोषजनक कहीं से जवाब मिला हो? सर कहीं से नहीं मिल रहा है, सिर्फ आश्वासन मिलता है हर महीने आ जाएगी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ हमारा। सब झूठे आश्वासन है सर। तो अब दिवाली भी आ गई है, 3 दिन के बाद दिवाली है, कैसे करेंगे सर? कैसे क्या करेंगे, जो होना है वो आपने पता है, 7 महीनों से कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, सैलरी कितनी मिलती है आप लोगों को पर मंथ कीजिए 18,000 कुछ है, लेकिन 15,000 कुछ नकद मिलते हैं, बाकी पीएफ कटता है। ठीक है, तो क्या इतने में जब वैसे ही बहुत कम सैलरी है उसमें ही काम बड़ी मुश्किल से शायद चल पाता होगा, तो अब 7 महीने से नहीं मिली है तो कैसे काम चला रहे हो? सर बहुत मुश्किल है, लोग कर्जा देने के लिए मना करने लग गए, आश्वासन ले रहे हैं। हाँ, आश्वासन अब झूठा होता है जा रहा है ना, अब अगले महीने दे देंगे, उससे अगले महीने दे देंगे, लोग पैसे देने से मना करने लग गए जी, हकीकत बात ये है सर। तो ऐसे में तो घर में भी काफ़ी सारी समस्याएं बन गई होंगी। बहुत समस्या चल रही है सर, करें क्या। और यहाँ से कभी कोई बातचीत कोई सही प्रॉपर कुछ हो पाई आप लोगों की किसी बड़े अधिकारी से, एक्शन से भी और जो ऊपर बड़े अधिकारी हैं उनसे भी कहीं बातचीत हुई, एससी से या डायरेक्टर से कहीं से? एससी के पास भी गए थे जी, एक मीटिंग भी रखी थी, एक्शन के पास भी 3-4 बार मीटिंग रख लीजिए, लेकिन टाइम ही मिलता है हर बार, 5 दिन में आ जाएगी, 7 दिन में आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, तारीख पे तारीख जी। यहाँ पर तो देख लीजिए वो फिल्म का डायलॉग है ना कि तारीख पे तारीख वही मिलती जा रही हैं, लेकिन वो है कि समाधान कुछ भी नहीं है, सैलरी नदारद है 7 महीनों से। और आप कौन से हैं, परमानेंट हैं? आपकी कितने महीने की बची है? मेरे 7 की है जी। 7 महीने की है, तो लगभग सभी की 7 महीने की बची है? 7 महीने की है जी। 7 महीने आपकी भी? 7 महीने। हाँ जी, 7 महीने की है जी। और काम क्या करते हो? सर जी मैं एचकेआर में हूँ, बेलदार हूँ जी। बेलदार हैं? हाँ, तो मतलब बहुत ही बेसिक सा जो नीचे सबसे नीचे वाला वर्क है वो आप लोगों का है, और उसके बावजूद सैलरी नहीं है? हाँ जी, देखो 7 महीने हो गए, ठीक है, हर बार ये कहते हैं 2 दिन में आ जाएगी, 5 दिन में आ जाएगी, 10 दिन में आ जाएगी, पर है ना कोई संतोषजनक उनका है ना कोई भी मतलब आश्वासन देते रहते हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जितनी बार आए हैं यहीं पे कभी तो अधिकारी नहीं मिलते, कभी मिलते हैं तो कहेगी आ जाएगी, हमने अपनी तरफ से काम कर रखा है और हमारी तरफ फ्री हैं और बाकी जो ऊपर वाले देखेंगे जी। अच्छा, एक चीज़ जब ये एचकेआरएन को बनाया गया था तब कहा गया था कि लगभग एक डेट फिक्स होगी कि तनख्वाह कब आएगी, तो वो जो डेट फिक्स की जो बड़ी बातें कही गई थी वो कहाँ गई? तो फिर अब वो क्या लगता है उनको, वो कहीं पे कहीं दिखाई भी दे रही है क्या? जब शुरुआत में आप लोगों को तनख्वाह मिल रही थी तब मिलती थी टाइम से? हाँ देखो जी, स्टार्टिंग के जो 1 साल था ना उसमें है ना अपने को जैसे 1 तारीख को हाजिरी पूरी होती है, उसके बाद 5-6 तारीख तक, 7 तारीख तक है ना, 1 साल तक है ना सैलरी बिल्कुल बराबर आई है, ठीक है। उसके बाद से है ना फिर कभी 2 महीने में आई, कभी 1 महीने में आई, कभी 2 महीने में आई, उसके बाद से अब लास्ट में 7 महीने हो गए जी, 1 रुपया तक मिला है नहीं मिला है, और जब ड्यूटी बराबर कर रहे हैं घर से पैसा लगा के, और हाजिरियाँ भेजनी थी वो भेज चुके हैं? हाँ, हाजिरी उजरी सब अधिकारी कहते हैं हमने भेज दिया है, जो जेई वगैरह है ना वो कहते हैं हमने हाजिरी भेज दी है, और बाकी जो हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, कोई भी ड्यूटी में कोई कोताही नहीं है। कमी कहाँ पर बताई जा रही है ताकि जो ये बार बार जैसे आप लोगों को मांग उठानी पड़ रही है कि भैया नहीं आ रही है सैलरी, तो बार बार आवाज़ उठा रहे हो, कहाँ पर कमी बता रहे हैं कि इस वजह से नहीं आ रहा है? ये जी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से अटका हुआ है जी, लगभग 90 हाँ सेंक्शन के उसके ऊपर सैलरी सेंक्शन नहीं हुई है, तो उसी पर मामला अटका हुआ है जी, हर बार आश्वासन देते हैं और कोई संतोषजनक वो नहीं देते जी। सुन सकते हैं आप यहाँ पर कि झूठे आश्वासन केवल और बड़े दावे किए गए थे जिस टाइम पर एचकेआरएन की शुरुआत की गई थी, तो उस टाइम पर कहा गया था कि अब सरकार के हाथों के नीचे रहेगा सब कुछ, बाकायदा सरकारी अधिकारी को इसमें लगाया गया था, एचसीएस सत्र के शायद अधिकारी थे कि तमाम चीज़ों को, आईएएस अधिकारी भी शायद होंगे उसमें, तो वो भी जो हैं इसकी देखरेख करने के लिए लगाए गए थे कि ठेके प्रथा को ख़त्म करके एचकेआरएन बना दिया गया है, अब लोगों को जो कर्मचारी हैं उनको जो परेशानियां जो हो रही थी उनको कहीं ना कहीं दूर किया जाएगा, लेकिन यहां पर जो सिनेरियो दिख रहा है, जो यहां पर जो पूरा एक खाका हमें दिखाई दे रहा है वो बड़ा ख़राब दिखाई दे रहा है। 7-7 महीने से अगर तनख्वाह नहीं आएगी, कितने महीने से बची है जी? 7 महीने से, इस साल की जो सेंक्शन आनी थी 1 अप्रैल से शुरू होती है, उसके बाद 1 रुपया नहीं दिया गया है, 7 महीने हो गए जी कंटिन्यू।
क्यों, कारण ऐसा क्या है कि इस साल की कुछ भी सेंक्शन नहीं आ पाए? कागजी कार्रवाई तो हम एक्जैक्ट बता नहीं सकते, दिक्कत कहाँ है। जो हमें अधिकारी बताएं, हमें अधिकारी बोल दें जी फाइनेंस डिपार्टमेंट में है समस्या, या जहाँ से एच कैरन ऑफिस से सेंक्शन आना होती है वहाँ समस्या है, लेकिन एक्चुअल में समस्या कहाँ जी वो अधिकारी जाना है, क्योंकि हमने तो काम अधिकारियों के नीचे करें। कुछ गफलतबाजी भी दिखती है क्या? हो सकता है कि जी ऑफिस की तरफ से भी डॉक्यूमेंटल कोई प्रॉब्लम रही हो जिस वजह से, वरना हर महक में सेंक्शन टाइम पे आई है, सबकी सैलरी आ रही है, तो एक दादरी डिवीजन में क्यों समस्या आई हुई है जी? दादरी महेंद्रगढ़ जो डिवीजन है इसमें ही समस्या आई हुई है। तो एच के आर एन के जो बड़े अधिकारी, जो आई एस लेवल के अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी कहीं पर बातचीत हुई क्या? नहीं, हम ऐसे हिसाब से नारनौल मिले थे जी, उन्होंने जब टाइम मांगा था 10-15 दिन का, उसमें कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। एक्शन साहब से कोई 10 बार मिल चुके हैं जी सारे बच्चे, वहाँ भी कोई बातचीत हो रही थी, मैं देख रहा था कि फ़ोन पर फ़ोन आया हुआ था आपके, तो क्या लग रहा है कि कुछ यहाँ पर समाधान के मूड में दिख रहे हैं? ये वो 15 दिन आगे बात न टालने वाली बात होगी जी, 15 दिन और पीछा छूट जाएगा 15 दिन का नाम ले, लेकिन जैसे मतलब 7 महीने का वो इनको दिख नहीं रहा है, 7 महीने कितनी बड़ी समस्या होती है। अगर ये अधिकारी ऑफिस में जाके बैठते हैं, ऑफिस में हमारे बच्चों की सेंक्शन दो, इनकी सैलरी दो, तो इतनी बड़ी समस्या थी। फील्ड में है या एक्शन साहब कहाँ हैं? मीटिंग में बता रहे हैं जी, मीटिंग में बता रहे हैं। ठीक है, पता नहीं जी मीटिंग का तो हमने, लेकिन यहाँ नहीं है अधिकारी, बोल रहे हैं कि मीटिंग में। आप लोगों की हड़ताल सुन करके भी नहीं आने चाह रहे हैं? कोई नहीं मिला जी, कोई ऑफिस से कोई अधिकारी आके नहीं मिला, ना एसडीओ मिला है, ना हमने एक्शन साहब मिले हैं। कब तक बैठे रहोगे ऐसे? जब तक सैलरी नहीं आती जब तक बैठे रहना है जी। बैठे रहेंगे जी? हाँ जी पक्का। यस, तो कब तक, मतलब 10 दिन, 15 दिन, महीना, साल भर? अगर जैसे 7 महीने से तो पहले ही नहीं आए, आगे 7 महीने और निकल गए तो क्या करेंगे? निकल गए तो जी पिछली तो मिली ही नहीं है, और आगे माल ड्यूटी करेंगे तो घर से किराया लगा कर जाना पड़ता है, तो इसी यहाँ पर भी आएंगे तब भी वो किराया तो लगेगा ही ना। यहाँ आओगे, धरने पे बैठोगे, पिछली आतंखा के लिए मांग करोगे, तो वो तो होएगा ही, कुछ तो समाधान हो जी। अच्छा, मतलब उम्मीद है कि अब धरने पे बैठे हैं तो कुछ समाधान होगा, कोई तो सुनवाई करेगा जी। सुनवाई करेगा जी, ठीक है। तो अभी तक कोई आप लोगों से मिलने नहीं आया जी? कोई मिलने नहीं आया, कोई समाधान वाली बात हुई ही नहीं है जी कोई जी। और ये भी नहीं बताया जा रहा है एक्चुअल में प्रॉब्लम के, हमारे जो मरते समझाया भी नहीं जा रहा है एक्चुअल प्रॉब्लम के है, जबकि ये ऑर्डर है कि 7 तारीख तक सैलरी आनी चाहिए, सब 11 महीने सैलरी आती है, तो इसी डिवीजन में क्यों समस्या आ रही है जी? जी बाकी सब जी, आप कुछ कह रहे हैं? बाकी सभी जो महकमे हैं उसमें सबकी एच कैरन की वो आई हुई है सेंक्शन, लेकिन हमारे दादरी डिवीजन में 17 बच्चों की सेंक्शन रुकी हुई है। केवल 17 हैं? हाँ केवल 17, नहीं नहीं, तनख्वाह तो सभी की रुकी हुई है, लेकिन जो हमारे जिनकी सेंक्शन नहीं आई है वो 17 बच्चे हैं, और इसी कारण से हमारे सबकी रुकी हुई है 41, मतलब सबकी इकट्ठी सैलरी आएगी। हाँ इकट्ठी सैलरी आएगी, तो इसलिए 17 की नहीं सेंक्शन हुई, तो बाकी सब 41 की। कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी चीज़ पर ऑब्जेक्शन लगा रहे बार बार में, भाई उसका पता नहीं लग रहा अभी किस चीज़ पर लगा रहे हैं, तो अधिकारियों को दूर करना चाहिए शायद। हाँ अधिकारियों को, वो तो हमें तो जाने थोड़ी देंगे वहाँ पे, वो तो वहाँ पे अधिकारी ही बात करेंगे। तो अधिकारियों से पूछते नहीं आप लोग कि जो अधिकारी ऑब्जेक्शन है वो क्यों नहीं हटवा रहे आप? नहीं, वो कह रहे भाई हमने जो ऑब्जेक्शन है अपनी तरफ से पूरा कर दिया है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी लगा रहे हैं, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। सुन सकते हैं आप, जिस विभाग को कर्मचारियों की सहूलियत के लिए बनाया गया था और साथ ही साथ ठेका व्यवस्था को थोड़ा सा दुरुस्त करने के लिए बनाया गया था, ठेका प्रथा को ख़त्म करने की बात कही गई थी कि अब सरकारी कर्मचारी जो हैं इस विभाग को भी संभालेंगे और जो इस तमाम जो कर्मचारी होंगे इनको बेहतर तरीके से तमाम सुविधाएँ मिलेंगी, समय पर तनख्वाह मिलेगी, लेकिन हालत बुरी है और बड़े अधिकारी केवल झूठे आश्वासन दे रहे हैं। और ये कहना इन तमाम कर्मचारियों का, उन झूठे आश्वासनों के बाद अब ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, और कहना यही है कि जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। हालांकि आज कोई भी अधिकारी इन तक नहीं पहुँचे, अधिकारी कब तक पहुँचेंगे देखना होगा। केवल इनसे फ़ोन पर बातचीत की गई है, हम आप लोगों को फुटेज भी दिखा रहे हैं वो फ़ोन पर बात करते हुए की भी, लेकिन उसके बावजूद आगे कुछ नहीं है। अधिकारी आज दिखा दीजिए, उधर दरवाज़ा बंद है और अधिकारी आज यहाँ पर अवेलेबल है नहीं, मीटिंग में गए हुए बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। ऐसे में समाधान कैसे होगा ये एक बड़ा सवाल या निशान छोड़ रहा है। अब देखना यही है कि इन तमाम लोगों को कब तक इनकी सैलरी मिलती है, 7 महीने की सैलरी है, ऊपर से दिवाली आई हुई है और दिवाली के ऊपर तमाम लोग अपना, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार
त्यौहार हम कह सकते हैं इसको, सबसे बड़ा त्यौहार है। और ऐसे में परिवार में पैसे की ज़रूरत काफ़ी होती है, लेकिन उस दौरान में यहाँ पर ये लोग धरने पर बैठे हैं। तो एक बार लास्ट में मैं पूछ लेता हूँ, तो अब की बार की दिवाली कैसे मनेगी? दिवाली तो मिले मने ही नहीं जी, कैसे बनेगी आप ही बताइए। जब सैलरी नहीं मिल रही भाई, घर चलाने के लिए पैसा नहीं होगा तो कैसे मिल, तो काली दिवाली मनाने, काली दिवाली मनाएंगे जी। सुन सकते हैं, काली दिवाली मनाने को कर्मचारी मजबूर हैं, कोई समाधान करने के लिए यहाँ पर कोई सुनवाई करने वाला इनके पास अभी तक पहुँचा नहीं है। ऐसे में समाधान कैसे होगा, बड़ी बात। हम तो यही चाहेंगे कि चरखी दादरी के जो भी विभाग के आला अधिकारी हैं वो जल्द से जल्द इनकी मांग को सुने, और चरखी दादरी के इस विभाग की नहीं, इरीगेशन विभाग की नहीं, जो DC महोदय भी हैं वो भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करें, ताकि कहीं ना कहीं जो इन लोगों की मांगों को ऊपर तक उठाया जा सके। और जहाँ पर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर कहीं पर फाइल अटकी पड़ी है तो उस फाइल को क्लियर करा जाए, और 7 महीने की जो इनकी सैलरी है वो कहीं ना कहीं इनको समय पर मिल जाए। समय तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अब भी मिल जाए तो भी बहुत है। चलिए, बाकी तमाम यहाँ पर बैठे हैं और आप लोगों तक जो तमाम जो सूचनाएं हैं आगे भी पहुँचाएंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सोमेश ढाका VTS लाइव न्यूज़ के लिए।